कोशिश कर रही है, जब नहीं हो रहा है तो क्यों कोशिश कर रही है? तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, मेरी बहन का मजाक उड़ाती हो। वैसे भी तुम्हें देखने 100 लड़के आ चुके हैं, क्या हुआ तुम्हारा? सब नाक सिकोड़ के चले गए, बढ़िया ही भाषण देने वाली। भैया, इनसे बात करने का मतलब है किचन में पत्थर फेंकना। चलो हम चलते हैं। भवानी, इन लोगों को क्या पता, मैं अभी पंडित जी से बात करके आ रहा हूँ। पता है उन्होंने क्या कहा? तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी, ऐसा बोला उन्होंने। तुम्हारी शादी में पता है बैलगाड़ी नहीं आएगी, बड़ी बड़ी मोटर गाड़ी आएगी, पता है तुम्हें? भैया ये आम, बस इतनी सी बात? हाँ, एक लिया ना, दू क्या एक खींच के। ये ले बहन, चल अब घर चलते हैं। हाँ चला जा। ये जो मुत्तु भवानी है ना, इनको मैंने बचपन से पाल पोस की बड़ा किया है। भले मेरे कोख से जन्म ना लिया हो, लेकिन थोड़ा बहुत जमा किया है, क्योंकि कल लोग ये ना बोले कि ये सौतेली माँ की देखरेख में पली बच्ची है। जब ये छोटे बच्चे थे ना, तब इनके पिताजी चल बसे। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओ नमस्ते, तुम्हारी बहन को आज ही देखना था इसलिए हम लोग सीधा यहाँ पर चले। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। मुत्तु, जाकर अपनी बहन को बुला कर लेके आओ। जाओ ना जल्दी। भवानी, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी। अरे भैया आप भी ना। अरे वाह, मेरी बहन शर्मा रही है, चलो। भैया, माँ ने उनको हमारे बारे में कुछ बताया नहीं क्या? बताएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी इस गांव में तुझसे सुंदर कोई लड़की है क्या भवानी? ढूंढने पे नहीं मिलेगी। हाँ चल आजा। जा बहन, इनके आशीर्वाद ले। ये क्या, ये लंगड़ी है क्या? ये लंगड़ी नहीं है, बस पैर में थोड़ी मोच आई है। आप लोग परेशान मत होइए, मैं अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगा और ये एकदम ठीक हो जाएगी, मैं सच कह रहा हूँ। तब तक इस लंगड़ी को अपने घर की बहू बनाकर रखना होगा। आप एक काम करो, आप खुद इसे डॉक्टर के पास लेकर जाकर इलाज करवाओ, इसमें आपको कोई एतराज नहीं ना? हम लोग दीवान खानदान के वंशज हैं, राव बहादुर राजा राय के बेटे का पोता हूँ मैं, इसलिए मैं खुद यहाँ पर सारे काम काज छोड़कर इस कुमार की बीवी कैसी होगी ये देखने के लिए यहाँ आया हूँ। तो ऐसी छे, अगर रिश्तेदार देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ए, खड़े क्या हो, चलो यहाँ से। चलो सुनिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से मत जाइए। मेरी भवानी बहुत अच्छी है, घर चाहे कितना बड़ा हो ये सारी जिम्मेदारी उठाएगी, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेहरबानी करके मान जाइए, मेरी बहन जैसी लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। बहन को बहू बनाए तो दहेज में क्या देगा, जरा पूछो तो। मैं पूछता हूँ, सुनो, अगर तुम अपनी लंगड़ी बहन की शादी मेरे बेटे के साथ करवाना चाहते हो तो दहेज में 50,000 रुपया देना होगा। अगर तुम आज ही दोगे
तो कल मैं शादी करके इसे अपने घर ले जाऊंगा, सुन लिया? चलो चल। 50,000 रूपए? हाँ हाँ, अगर 50,000 रूपए नहीं देगा तो इस लंगड़ी के साथ कौन शादी करेगा? 50,000 कितने होते ये तो तुम्हें पता ही नहीं, तो देगा कैसे? मेरे तो भाग ही फूटे। अरे तू जन्म लेते ही मरी क्यों नहीं? इसमें इसकी क्या गलती है, हमेशा बद्दुआ देती रहती है, आप चाहती क्या है? मेरी किस्मत में जो लिखा है वही तो होगा भैया, बेवजह माँ पर क्यों चिल्लाते हो? और क्या करेगा ये, हाथ में माल नहीं जेब में पैसा नहीं, ऐरे गहरे लोगों की शादी में जाके शहनाई बजाता है। अरे अपनी लंगड़ी बहन की शादी दहेज देकर करने की औकात इसमें कहाँ है? छोटी माँ मेरा मजाक मत उड़ाइए। मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? अगर औकात है तो 50,000 रूपए दहेज देके इसकी शादी करवा के दिखा। करूँगा, जरूर करूँगा, मैं शहर जाके बहन की शादी के लिए पैसे कमाऊंगा। मेरी भवानी की शादी धूमधाम से होगी, इस गांव के लोगों की आंखें पटी रह जाएंगी, ऐसी शादी करूंगा मैं अपनी बहन की। तू करेगा करेगा, गैरों की शादी में शहनाई बजाने वाला, हवा ने दे, चल जा यहाँ से। और तू ऐसे यहाँ क्यों खड़ी है? चल जा कपड़े बदल ले, रसोई में जाके काम देख। आहा, कैसा ये बहन भाई का रिश्ता, मेरे तो करम फूटे मनुष्य कहीं के। मेरे लिए इतनी दूर जाकर पैसे कमाना जरूरी है क्या? अरे पागल लड़की, इसमें दूर की क्या बात है, अगर हमें पैसे कमाने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, इसमें ज्वार की रोटी और गोभी की चटनी है। अच्छा, आहा, बहुत अच्छी खुशबू है, तेरे हाथ की रोटी का जवाब नहीं है। तो इतना ज्यादा काम करती है यहाँ, मुझे बहुत दुख होता है। माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, पैसे कमाने के लिए मैं शहर जा रहा हूँ, कामयाब हो जाऊँ ऐसी दुआ करना। भले तू चाहे कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन मेरे लिए मुत्तु मर गया ऐसा मैं समझूंगी। माँ कोई बात नहीं भवानी, माँ चाहे कितना भी गुस्सा हो, इनकी बातें आशीर्वाद होती है। एक बात सुन ले मुत्तु, हर 3 महीने में घर के खर्चे के लिए तुम्हें पैसे भेजने पड़ेंगे, नहीं तो इस लंगड़ी लड़की की शादी किसी लंगड़े लड़के से करवा कर मैं काशी रामेश्वर यात्रा पे चली जाऊंगी, याद रखना। क्या बात है मुत्तू, शादी में सहनाई बजाने जा रहे हो? कौन सी गांव में शादी है? नहीं दादाजी, पैसे कमाने के लिए शहर जा रहा हूँ मैं। तो फिर गांव वापस आओगे कि नहीं? हाँ हाँ जरूर आऊंगा। ऐसा है क्या? आने के बाद अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूँगा। हाँ। उसकी शादी में मैं करोड़ों करोड़ों रुपए की चोरी हो रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार और जनता को क्या जवाब दूंगा? सर मुझे ये किसी एक आदमी का काम नहीं लग रहा है, मुझे तो लगता है कि इस लूट मार के पीछे कोई इंटरनेशनल गैंग ऑपरेट कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर। कम इन मिस्टर विनोद। इस सारी लूट मार के पीछे सिर्फ एक ही शख्स है और उसका नाम इसमें है। ये किरण कुमार, ये तो काफी अमीर और इज्जतदार है। ये भले ही काफी अमीर हो लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ये बहुत सारे गलत काम भी करते हैं। देखिए सर, गरीब लोग कानून से डरते हैं लेकिन अमीर लोग कानून को लट्टू की तरह नचाते हैं। मिस्टर विनोद, किरण कुमार अपराधी है, इसका कोई सबूत है? है सर, आज तक हमारे शहर में जितनी भी लूटपाट हुई है ठीक उसी समय ये किरण कुमार उन जगहों पर मौजूद पाया गया है, इस बात के हमारे पास सबूत है। इस तरह के सबूतों के आधार पर हम किरण कुमार को अरेस्ट नहीं कर सकते, यू नो दैट? मैं आपकी बात मानता हूं सर, पर उसे अरेस्ट करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। आई सी, क्या प्लान है आपके पास? सर इंसान गलती करता और फंस जाता है, हर किसी की वीकनेस होती है, किरण कुमार की भी एक नहीं बल्कि 2 वीकनेस है। पहली, कीमती चीजों का उसे शौक है, और दूसरा खूबसूरत लड़कियां। वेरी गुड, प्लीज कंटिन्यू। देखिए सर, हमारे CBI डिपार्टमेंट में एक लेडी इंस्पेक्टर है, मिस लीला।
उन्हें इस ऑपरेशन के लिए अगर हम चुनेंगे तो उस किरण कुमार को हम बड़ी आसानी से काबू में कर सकते हैं। वेरी गुड प्लान। मिस मंजुला सर, प्लीज कॉल मिस लीला। यस सर। वैसे आपका प्लान क्या है? सीबीआई ऑफिसर मिस लीला का अब नाम होगा मिस माला, और अफ्रीका की हीरे की व्यापारी बनकर वो किरण कुमार से मिलने जाएंगी, और इस तरह किरण कुमार के सीक्रेट का पता करने का हमें एक मौका मिलेगा। मैं आई कम इन सर। कम इन। लीला, तुम्हें वेरी इंटरेस्टिंग और रिस्पॉन्सिबल असाइनमेंट दे रहा हूँ। आजकल जो चोरियां हो रही है उसमें किरण कुमार पर हमारा शक जा रहा है। उसे पकड़ने के लिए मिस्टर विनोद ने एक प्लान बनाया है। तुम एक डायमंड मर्चेंट हो ऐसा कहकर तुम्हें उससे मिलना है, उसका विश्वास जीतना है, उसे अपने झांसे में फंसा कर सच को जानने की कोशिश करनी है। मिस लीला, किसी को आप पे शक ना हो इसलिए आपकी सहायता के लिए ये आपके चाचा बनेंगे और मैडम आपकी चाची बनकर आपके साथ रहेंगी। सर, लेकिन मेरी और किरण कुमार की मुलाकात कैसे होगी? एक ग्रैंड पार्टी अरेंज की जाएगी। शहर के सभी अमीर लोगों के साथ हम किरण कुमार को भी इनवाइट करेंगे, और उस पार्टी में किरण कुमार की मुलाकात तुमसे होगी। इंस्पेक्टर विनोद, अगर पार्टी में आके किरण कुमार ने हम सबको पहचान लिया तब क्या करेंगे हम सब? पार्टी में वो हमें ना पहचाने इसलिए हम लोग फैंसी ड्रेस में वहाँ पर जाएंगे। वेरी गुड। वैसे तुम्हारे प्लान के मुताबिक तुम अपना काम शुरू करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। कॉफी पी लो गर्मा गर्म कॉफी। अरे रे बैंड वाले मास्टर, तुम्हारे गले में रोटी अटक गई है क्या? रुको, एक कप कॉफी देता हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, गांव में मेरी बहन ना मुझे याद कर रही होगी, इसलिए हिचकी आ रही है, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक भी बार मैंने उसे अपना हालचाल नहीं बताया। तुम कहाँ से हो? रुद्रपटना। अच्छा, रुद्रपटना। अरे नहीं यार, उसके बगल में चंपाली गांव है। अच्छा जी, चंपाली गांव में मेरे मामा की छोटे बेटी की शादी हुई है। अच्छा, अच्छा तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी बहन की शादी के लिए पैसे कमाने आया हूँ इस शहर में, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला, सब कुछ लूट गया। अब ऐसा क्या लूट गया? मेरी इज्जत। इज्जत लूट गई? मतलब शहर आने से पहले इस ड्रेस के साथ एक टोपी थी वो चोरी हो गई। यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। मुझे भी यहाँ आए हुए 10 साल हो गए। ये बड़ी दुकान देख रहे हो ना, मैं भी बिजनेस करके बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन यहाँ के लोगों की वजह से मेरा सपना चकनाचूर होकर रह गया। अब मैं रात भर चारों तरफ घूमकर कॉफी कॉफी चिल्लाता रहता हूँ। हाँ, ये लो गर्मा गर्म कॉफी, कॉफी पी लो। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम मेरे गांव के हो, पैसे कैसे लूंगा? सुनो, जब तुम यहाँ पैसे कमा के बड़े आदमी बन जाओगे ना, मुझे एक चेक दे देना। मुझे आज तक किसी ने चेक नहीं दिया। हाँ, दे दूंगा दे दूंगा। ये लो, खाओ रोटी खाओ। अरे मेरी बहन ने बनाई है, असली ज्वार की रोटी है ये। हाँ, वाह रे वाह, घर की रोटी खाए वो मुझे 12 साल हो गया है। इस शहर में आलू बैगन सलजम मटर गोभी सब में मिलावट है। अरे बाप रे, रुक गई। क्या रुक गई? हिचकी रुक गई। अरे दो कॉफी ले गया। आता हूँ शिवा। सुनो भाई, मैं सिटी मार्केट में रहता हूँ, मैं तुमको वहीं मिलूंगा। अच्छा चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है। देखो वहाँ किरण कुमार जी खड़े हैं, उनको रास्ता पार करवाओ, जाके ट्रैफिक रोको। यस सर। आइए सर। मैं आपको ही बुला रहा हूँ सर। तुम? आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी? हाँ। वो तो मैं बस स्टैंड पे ही छोड़ के आ गया, वो यहाँ कैसे आ सकती है? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं सर। जाइए जाइए। ओह, आइए सर आइए, आप ही का सब इंतजार कर रहे हैं। जाइए अंदर जाइए। मेरा किस लिए? बैंड बजाने के लिए। ऐसा क्या? हाँ। ओ। अरे ये तेरी ड्रेस है, अच्छी पार्टी आवाज चुकी है ना। हाँ, मैंने तब ड्रेस उस वाले के ड्रेस से सिलाई है। बढ़िया है, तुम बताओ। पुजारी जी, थोड़ा भीख दे दीजिए ना। हाय भाई, मैं तो तुम्हें याद कर रहा था, तुमसे मिलने को तड़प रहा था। 100 साल जियो बड़े भाई, कुछ भीख दे दो भाई। अरे बाप रे,
मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं चलता हूँ। एक मिनट मेरे भाई, ये ड्रेस ना बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा चमक रही है। अच्छा कितने में खरीदा? चांदी के दो सिक्के से। हाँ? क्या हुआ, डर गए क्या कि इस जमाने में चांदी का सिक्का कहाँ से आ गया? ये ड्रेस मेरे दादाजी के जमाने की है, उन्होंने सिलवाई थी। समझ में आ गया, अब मैं चलता हूँ। शंभो हर हर महादेवा, शंभो हर हर महादेवा। स्वामी जी, अरे माफ कर दीजिए, अंतर्यामी हैं आप स्वामी जी? मैं अंतर्यामी नहीं, आनंद स्वामी हूँ। स्वामी जी आप मंदिर छोड़ के यहाँ पे? ये भी एक मंदिर जैसा है, वहाँ भगवान है बालक, यहाँ हनुमान है बालक। ये लो ये प्रसाद खा लो। अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है? नहीं नहीं, ये आर्य भवन की स्वीट है, खाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। शंभो हर हर महादेवा। अरे वाह, इसे मजाक मत समझना, आने वाले अगले महीने में हीरो का एग्जीबिशन लगने वाला है, समझ गए तुम? यही मौका है माल लपेटने का। भगवान माफ करे, ये काम पापी लोग करते हैं। इंसान अगर भगवान को धोखा दे तो वो पाप कहलाता है, और अगर इंसान इंसान को धोखा देता है तो वो पुण्य कहलाता है। ये लो, क्या सोच रहे हो? हमारे इस प्लान के लिए चेयर। अच्छा स्वामी जी, ये फल का रस है क्या? नहीं बालक, ये तो किक देने वाला सोम रस है। हाँ? इसका मतलब शराब ही है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा इसे। हाँ? हाँ, अब तक बहुत ड्रामा हो गया, चुपचाप पी लो इसे। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ? नहीं पीता हूँ ये सब। कैसे हो तुम? कम ऑन, चलो ना मेरे साथ। क्या कर रही हो? अरे चलो ना। अरे छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? लोग क्या सोचेंगे यहाँ पे देख के? ये आस पास खड़े हुए लोगों के बारे में सोच रहे हो? जब मुझे अपनी बाहों में भरा था और आंखों में आंखें डाली थी, प्यार की बातें कर रहे थे, तब तो तुमने इन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। अरे बाप रे, झूठ 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 झूठ, मैंने भला तुम्हें कब पकड़ा था? कब मैंने तुम्हारी आंखों में आंखें डाली? बड़ी आई किरण, मजाक बहुत हो गया। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। हे, मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पता नहीं कहां से चली आती है। अरे अरे किरण प्लीज रुको, यू चीट। तुम्हारी प्यारी प्यारी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ तुम पे कुर्बान कर दिया। कमीने, घटिया, नालायक। चुप चुप चुप, हद से ज्यादा बोल रही हो तुम। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे बाल पकड़ के मैं ऐसे। अरे बाप रे, नकली है क्या बाल? ए देखो देखो, इसके बाल नकली है। ए देखो, नकली बाल लगा के घूम रही है। यू फूल, तुमने मेरी इंसल्ट की, शट अप। ए सुनो सुनो सुनो, अपने बाल धो लेती जाओ। अरे बाप रे, अरे रुक जाओ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, बस ऐसे ही हो गया मुझसे। मैं सब जानता हूँ। हाँ तुम सब जानते हो? अच्छा किसी को बताना मत, गलतफहमी की वजह से उन लोगों ने मुझे अंदर भेज दिया। हाँ चलो मेरे साथ चलो। हाँ चलिए। क्या हुआ? तुम कौन है इस बारे में कोई जानता है? यही तो गड़बड़ हो गई है। मैं मुत्तू हूँ, ये बात बोल बोल करके मैं थक गया हूँ, और यहाँ पे सारे लोग मुझे किरण कुमार समझ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये किरण कुमार कौन है यहाँ पे? तुम ही हो। मैं हूँ? हाँ, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। तुम यहाँ किरण बन के मौज मस्ती कर लो, लेकिन अगर तुमने सच बोल दिया तो यहाँ सारे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वैसे सच क्या है और झूठ क्या है, ये बात तुम तो जानते हो ना? जानता हूँ, यहाँ झूठ ही सच होता है, हर तरफ झूठ का बोलबाला है। झूठे लोग, झूठी दुनिया, झूठी बातें, बनावटी लड़कियाँ। नमस्ते। 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 ये सुंदरी कौन है? अप्सरा है। हा? अप्सरा है, देवलोक से नीचे आ गई है क्या? एक मिनट, मैं आता हूँ। हाँ सही कह रही हो, और तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? देवलोक की अप्सरा यहाँ धरती पे कैसे रास्ता भूल के आ गई, बस यही जानना था मुझे। देखिए मिस्टर। कूल डाउन, तुम इन्हें नहीं जानती माला। ये है मिस्टर किरण कुमार, इस शहर के अमीर इंसान। मिस्टर किरण कुमार, ये है मिस माला। नमस्ते। और नमस्ते। ये है इनके चाचा जी और ये चाची। नमस्ते। नमस्ते। मिस्टर किरण कुमार, इनका अफ्रीका में बहुत बड़ा हीरे का बिजनेस है। हाँ आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन देखा आज है। सुना था? किसने बताया मेरे बारे में? हाँ किसी से सुना था। अच्छा ये बजाने के लिए है या सिर्फ दिखाने के लिए है? ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बजाने के लिए है, और साथ में पेट की आग बुझाने के लिए भी। अच्छा ये जो बैंड बजा रहे हैं वो पानी पिलाने के लिए, मार्केट में इन्होंने सबका बैंड बजा दिया है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मैं तो सिर्फ सर्कल पे बजाता हूँ। मेरे दादा और परदादा जी
राजा महाराजा के दरबार में बजाते थे और उन्हें बहुत सम्मान भी मिला करता था। और उसके अपने दादा परदादा के नाम लेकर अपनी बड़ाई करते रहते हो, कौन यकीन करेगा। तुम्हें बजाना बजाना भी आता है? अच्छा तुम्हें लगता क्या है मैं कुछ जानता नहीं हूँ? हंस ध्वनि, कल्याणी, आनंद भैरवी और अगर बजाना आता है ना तो सारे गामा बजाओ, इतना काफी है। शुरू करूँ क्या? शुरू करो। वाह कितना अच्छा बजाते हैं आप। अच्छा लगा ना? हाँ, इस शहनाई को बजाकर अपने आप को बिस्मिल्लाह खां का पोता समझ रहा है। अपनी शक्ल देखी है तुमने आईने में? ये टकली, तूने समझ के रखा है मुझे। अब देखना टकली कैसे बजाता हूँ। सुपर, आपने बहुत अच्छा बजाया और बहुत अच्छा गाया भी। हाँ? और बहुत अच्छा डांस भी किया आपने। और क्या क्या जानते हैं आप? ऐसी कोई विद्या नहीं जो इसे नहीं आती हो। अगर वो शेर है तो अपनी लीला सवा शेर है। ये जगह तो सपने जैसी लग रही है मुझे। ये लीजिए, गिर गया था ये। ओह थैंक यू, प्लीज आप मुझे पहना देंगे? क्या मैं? हाँ आप ही। ओह अरे बाप रे, हार बहुत अच्छा लगा है, बहुत खूबसूरत। आपको इतना पसंद आया? वैसे मैंने सुना है आपको हीरे बहुत पसंद है। हीरे किसे नहीं पसंद आते हैं। इसकी कीमत पता है आपको? हाँ, आपकी खूबसूरती के सामने कुछ नहीं है। खूबसूरती को किसी चीज से नापते नहीं है। आप झूठ मत बोलिए प्लीज। क्या कहा झूठ? जिसने तलवार रखी थी वो झूठ बोल रहा था, मैं तो सच बोल रहा हूँ। उसने कहा लोग झूठे हैं, बोली झूठी है, हर तरफ दिखावा है, और उसी तरह से मैं किरण कुमार का झूठा नाम भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। भोजन के लिए पधारिए, चलिए खाना खाते हैं। अरे बाप रे, खाना खाते हैं? गांव से जो मैं रोटी लेके आया था वो मैंने खा के अपना पेट भर लिया है। अगर मैंने दोबारा खाना खा लिया तो मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा सुनिए, मैं जाऊं क्या? सुनिए, क्या हुआ? फिर कब मिलेंगे? आज रात को मिलते हैं। आज रात को? माय गॉड, पर कहाँ? सपनों में। नमस्ते नमस्ते। मिस लीला, किरण के बारे में क्या सोच रही हैं? नॉट बैड, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर। हाँ आइए ना सर, कार में बैठ जाइए। कार में? मैं? किस लिए? आप इतने बड़े कलाकार हैं, एक कलाकार की सेवा करने का मौका हमें भी दीजिए सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे दादा परदादा मुझसे भी बड़े कलाकार थे, लेकिन उनको कभी कोई भी कार में बिठा के नहीं ले गया। उस जमाने में तो कार नहीं थी ना सर। सही बात है। हाँ हाँ चलो चलो, आइए सर आइए, अंदर बैठ जाइए सर। आइए आइए सर। ओह वाह, इतना बड़ा घर। किरण, ओ किरण डार्लिंग, डार्लिंग डार्लिंग। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे क्या कर रही? अरे क्या कर रही हो? अरे यहाँ की लड़कियाँ कैसी आती हैं? अरे तुम मेरे साथ इतना नाटक क्यों दिखा रहे हो? छोड़ो छोड़ो, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ए छोड़ो छोड़ो, इन्हें शर्म नहीं आती है क्या? कैसी हैं ये लड़कियां? अरे छोड़ो मुझे। तुम भी धोखा खा गई ना? कम ऑन रीटा डार्लिंग। ये सब सबके सामने कर रहे हो? चीची शर्म और इज्जत बेच खाई है क्या? तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, लेकिन यहाँ किसी की आंखों पे पट्टी नहीं है। आंख में जो पट्टी लगाई है उसे हटाने को कह रहे हो क्या? हाँ हटाओ ना, मैंने अभी तक तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा है। अरे बाप रे, ये कैसा चमत्कार है? ऐसा भी हो सकता है क्या? हमारे माँ बाप भी तो एक नहीं है, तो फिर ये कैसे हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों एक जैसे,
आखिर हो कैसे सकते हैं? हमारे माँ बाप एक नहीं है, लेकिन हमें जन्म देने वाला भगवान तो एक है ना। अगर तुम गलती से मेरे गांव चले गए ना, तो मेरी छोटी बहन भवानी भैया भैया कह के आके तुम्हारे गले लग जाएगी। और इसी तरह तुम मेरी माँ के सामने आ गए तो वो तुम्हें किरण समझ के गले लगा लेंगी। माँ? मेरी माँ तो गुजर गई है। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? तीर्थ यात्रा पे गई है। मेरी बीमारी के लिए मंदिरों में मन्नत मांगती रहती है। बीमारी? क्या हो गया तुम्हें? कैंसर। ये एक जानलेवा बीमारी है, हर किसी को नहीं होती, लेकिन हाँ जिसे होती है उसे मार देती है। डोंट स्मोक इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम सॉरी सर। ए सिगरेट क्यों पी रहे हो तुम? अगर तुम्हें नशा करना ही है तो प्यार का नशा करो, कम से कम इससे सबको खुशी तो मिलेगी। वैसे प्यार मोहब्बत मैं करता हूँ और दान धर्म मेरी माँ करती है। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, भगवान से अपने लिए प्रार्थना करो। अगर भगवान ना करे कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो बेचारी तुम्हारी माँ, उसका क्या होगा? भगवान जानता है मेरी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। लाखों कोशिशों के बाद मैं बचने वाला नहीं हूँ। मेरी मदद तुम ही कर सकते हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का ख्याल तुम रखोगे, उनके अच्छे बेटे बनके, समझ गए? मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना मेरे फ्रेंड? ये क्या बोल रहे हो भाई, तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। मैं अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसे कमाने शहर में आया हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं, मेरी माँ तुम्हारी माँ है, तो क्या तुम्हारी बहन मेरी बहन नहीं होगी? तुम्हारी बहन की शादी मैं धूमधाम से करवाऊंगा। तुम सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। अगर तुम किरण कुमार बन गए तो तुम्हें हर महीने 5,000 मिलेंगे। हाँ 5,000 रुपए? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम नकली किरण कुमार हो, ये किसी को मत बताना। बजरंग बली, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आपकी ही मर्जी सही। हाँ मैं तैयार हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे कभी किसी को नहीं। वेरी गुड। ये है रीटा। हेलो। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। रीटा, इसको इसका कमरा दिखा दो। ओके ठीक है। हाँ सुनो दोस्त, मेरी नजर में तुम इंसान नहीं भगवान हो, कुछ ऐसा ही समझ लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। रोज रोज इसे गुड मॉर्निंग सर बोलने से क्या फायदा? हमारे गुड मॉर्निंग के बदले में इसने कभी पलट कर हमें गुड मॉर्निंग बोल दिया तो इसके जवान से मोती गिर जाएगा क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फोन किया तो बात क्यों नहीं की? फोन पर बात करना सही नहीं होगा, ऐसा बॉस ने कहा है। बार बार यहां आना भी सेफ नहीं है। Do you understand? It's all right. Let's come to the business. कल जो माल हम देने जा रहे हैं उसका ऑफर 15 लाख, ये हमारे बॉस ने कहा है। 15 lakhs? Don't waste my time. All right, 15 lakhs. Done. Time delivery का? वही time, वही जगह। Okay. Yes. Sir, Miss माला हमारे शोरूम में आई है। Oh, माला आई है क्या? जी। ठीक है मैं आ रहा हूँ। लीला, इस गुड़िया को देखो, कितनी अच्छी लग रही है ना। इसको बनाने वाले की जितनी तारीफ करे उतना कम है। बहुत सुंदर है। लेकिन तुम्हारे सामने सब फेल है, मैं सच कह रहा हूँ माला। ओह, व्हाट अ सरप्राइज। सिर्फ सरप्राइज नहीं, इट्स अ प्रेजेंट सरप्राइज। हार्टली वेलकम टू माय शोरूम मिस माला। ओहो, मतलब ये शोरूम तुम्हारा है। कितना अद्भुत कलाकार तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। मिस्टर किरण भाई, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। एक ही स्टोर के अंदर इतने सारे सौंदर्य को मैं पहली बार देख रहा हूँ। सौंदर्य के बारे में मेरी एक राय है। हाँ। जिस भगवान ने भी सुंदरता बनाई है उसने धड़कने के लिए दिल भी बनाया है, लेकिन वो दिल इस गुड़िया में नहीं है। कोशिश करने पे भी नहीं धड़कने वाला, और ना ही इससे प्यार कर सकते हैं, और हाँ ये कुछ सुन भी नहीं सकता। इसकी कीमत क्या है? कीमत? जिसके पास अपना दिल ही ना हो उससे एक अप्सरा कीमत के बारे में पूछे तो इसका मैं क्या जवाब दूं? यस सर। इसे पैक कर दो फास्ट। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, आपकी स्माइल भी अच्छी है। स्माइल मिसगाइड करती है और किसी की हंसी खुशी देती है। कल पार्टी में भी ऐसा ही हुआ था, आपने सभी का दिल जीत लिया। वहाँ इन्होंने सबका दिल चुरा लिया,
और वहाँ का हीरा कोई और ही चुरा कर भाग गया। लोग इस तरह से चोरी क्यों करते हैं? आपने भी तो की है। What? मतलब मैं और आप सब चोर ही तो हैं। ये पूरी दुनिया चोरों के लिए मैदान है। अब देखिए, फूलों की खुशबू हवा चुराती है, नदियाँ रास्ता चुराती हैं, और कुछ लोग तो नींदे चुरा लेते हैं, और कुछ खूबसूरत लड़कियाँ दिल चुरा लेती हैं। वैसे जिंदगी शतरंज है, क्या पता अगली चाल पे मात हो जाए। आपका क्या कहना है? इसका मतलब आपने भी कुछ ना कुछ चुराया है। सर ये लीजिए। हाँ मिस माला, ये आपके लिए, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट प्लीज। थैंक यू। नॉट नाउ, जब आप मेरे घर पे मेहमान बन के आएंगी तब आप थैंक्स बोलना। हाँ मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मेरे घर आपको एक ना एक दिन जरूर आना पड़ेगा। हाँ श्योर, आप इतने प्यार से बुलाएं और मैं ना हूँ, अब जरूर आऊंगा। रिचा, मेरी बर्थडे पार्टी में सिर्फ एक हफ्ता है, इससे पहले मुत्तू को किरण कुमार में बदलना होगा। मेरी बर्थडे पार्टी में मेरी जगह वो जाएगा, और वहां पे किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि वो नकली किरण कुमार है, समझ गई ना? और ये असली किरण कुमार डायमंड स्मगलिंग करेगा। फैंटास्टिक आइडिया डार्लिंग, मैं उसे बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश ही तो नहीं करनी है, बदलना पड़ेगा उसे, नहीं तो तुम जान से जाओगी। गुस्सा मत करो डार्लिंग, मैंने कहा ना मैं उसे बदल दूंगी। गुड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कट आउट। बैठिए। आओ बैठो ना। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे बैठो। ओ, आहा, आहा, क्या हो गया? रुको, बोलो। ये लो, इसे लेफ्ट हैंड में पकड़ो और इसे राइट हैंड में लो। खाना इससे खाना? किरण खाना कभी भी हाथों से नहीं, स्पून से खाता है। ओहो, तो ये बात है क्या? ये वाले स्पून से काटना है और इससे उठाकर खाना है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अगर इससे कहीं मेरी जीभ कट गई तो? नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम गुड बॉय हो ना, शुरू करो। अरे कहाँ गुड हूँ, कौन सा बॉय हूँ? अरे बाप रे, ये तो कट ही नहीं रहा है, सब फिसल जा रहा है। अरे फोक में रख कर दबाओ। दबाने से दब जाएगा? हाँ। हाँ? हाँ? जान बचा के भाग रहा है, रुक जा बताता हूँ। अरे आ रहा हूँ मैं। अरे रे रे, रहने दो, मटर और भी है, आ जाओ। हाँ? नहीं आऊंगा, आज तो मैं इसे पकड़ के रहूंगा, मेरे साथ नाटक दिखा रहा है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। मुत्तू क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी तरह खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, तो फिर ये चाकू और छुरी से खाना क्यों खाना? अरे बापरे, तुम्हारी तरह खाना खाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? अगर ये सब नहीं किया तो बहन की शादी कैसे होगी? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी तरह सब कुछ सीख लूंगा, जो भी करना पड़े मैं करूंगा। गुड, चलता हूँ मैं। तुम सिखाओगी ना? हाँ। चलो ठीक है, जो सिखाना है सिखाओ। चलो सिखाओ। अरे अरे क्या हो गया? ये तुमने क्या कर दिया मुत्तू? दर्द हो रहा है क्या? क्या करूं मैं, मेरा पैर बहुत मजबूत है, तुम्हारा पैर नाजुक है, इसलिए ऐसा हो जाता है। हटो। ये लो गर्म पानी आ गया, डालो डालो। अरे पूरा डालो। रीटा, आज आखिरी दिन है। ओ किरण, उसकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। अगर मेरी बर्थडे पार्टी में नकली किरण कुमार फेल हो गया ना, तो मैं तुम्हें इस दुनिया से पार्सल करवा दूंगा। ओह किरण डार्लिंग। रिचा। हाँ?
मेरे सामने अगर किसी ने रीटा को छुआ तो मैं उसे दुनिया से पार्सल करवा दूंगा। कम ऑन रीटा डार्लिंग। मुत्तू, मेरे सामने सिगरेट पीने से मना किया था ना मुत्तू। अब से ये किरण कुमार है, मुत्तू नहीं। अच्छा, तुम अक्सर दूसरों को मारते रहते हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया ताकि तुम्हें भी उनके दर्द का एहसास हो। हाँ, आज मेरा बर्थडे है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें पार्टी में किरण कुमार बन के रहना है। मेरी पार्टी में बहुत से लोग आएंगे, अगर किसी ने तुम्हें पहचाना नहीं तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। गुड, वेरी गुड। रीटा, मेरी बहन को पैसे भेज देना। अरे, कपड़े सुखाने में इतना समय लगता है क्या? रोटी जल रही है, जाके उसे देख। ए कलमुही, तू तो पहले से ही लंगड़ी है, आप अंधी भी हो गई क्या? कमीनी, रोटी तो पूरी जल गई, आज तुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। मनहूस कहीं की। पोस्टमैन, पोस्टमैन। क्या चाहिए तुझे? मनी ऑर्डर आया है, मुत्तू ने पैसा भेजा है। हाँ, मुत्तू ने पैसे भेजे? हाँ, जल्दी दे दे। ये भवानी का मनी ऑर्डर है, उसको साइन करना पड़ेगा। भवानी अभी बाहर गई है, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये सरकारी काम है, उसको ही बुलाना पड़ेगा। सरकार को कैसे पता चलेगा कि अंगूठा मैंने लगाया या भवानी ने लगाया? सरकार हमारे अंगूठे को पहचानती है क्या? ये मेरी जवाबदारी है, जिसके नाम का मनी ऑर्डर है उसको यहाँ आके साइन करना पड़ेगा। आपको पैसे नहीं दूंगा, भवानी को बुलाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। रुको रुको, भवानी भवानी, जरा बाहर आ जा बेटा। आती हूँ माँ। भवानी, आ जा आ जा, आ जा। क्या हुआ माँ? मुत्तू ने शहर से पैसे भेजे, अंगूठा लगा के ले ले। लगा ले अंगूठा। भैया ने भेजा है। मेरे भैया ने क्या लिखा है? मेरी प्यारी भवानी, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मुझे यहाँ एक अच्छी नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं तुझे 1000 रुपए भेज रहा हूँ। तुम्हारा मुत्थू, ये रसीद रख लो बहन। माँ, भैया ने। तू चुप कर, वो एक बड़ा भाई और तू एक बहन, तुम दोनों के लिए मैंने तकलीफें नहीं उठाई क्या? वाह बड़ी अम्मा, थोड़ा तो सुधर जाओ, भगवान से डरो, भगवान देख रहा है। चल बहुत हो गया, तू जाके अपना काम कर। और तू ऐसे क्या मुझे घूर रही है, जाके काम कर। तुम लोगों को पालने में मैंने जिंदगी बर्बाद की और वो पैसे तुम्हें भेज रहा है। भैया ने कितनी तकलीफें झेलकर पैसे भेजे होंगे। अरे, उस कमीने को इतना सारा पैसा कहाँ से मिला होगा? पक्का उसने किसी की जेब काटी होगी, नहीं तो कहीं चोरी की होगी। माँ, भैया के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। क्यों री, तू मुझे धमकी दे रही है, मेरे साथ जबान लड़ाएगी? तुझे मैं अभी बताती हूँ। अरे छोड़ो मोती, मोती माँ को परेशान मत करो, मत काटो, मुझे कुत्ते से मरवाना चाहती है। अरे मोती, अरे छोड़ छोड़ दो मोती, छोड़ दो माँ को, माँ को लग जाएगी। मोती, उसे पकड़ दो, उसे पकड़ करो मोती, अरे छोड़ दो। मुत्तू, आज तुम्हारी परीक्षा है, होशियार रहना, तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें बर्बाद कर देगी। हाँ, मैं वो परीक्षा पास कर लूंगा, लेकिन जो काम तुम करने जा रहे हो उसे संभल के करना। गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं। गुड लक टू यू। Come on, Rita, darling. अरे बाप रे। अरे रे, आओ ना। Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Happy birthday, sir. Thank you. किरण बेटा, ये मेरी तरफ से। ओह, अच्छा। किरण, ये पुलिस कमिश्नर है। ओह, अच्छा। हेलो मिस्टर किरण कुमार, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू।
वैसे मैंने कहीं आपको देखा है। तुमने सही कहा, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में मिले थे हम। ओह यस 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 यस। एक्सक्यूज मी, ए स्मॉल गिफ्ट। थैंक यू। हेलो माला। हेलो किरण, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू किरण। थैंक यू मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू माय सन। थैंक यू डैडी। कम ऑन माला डार्लिंग। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये किरण का स्टाइल है। नहीं ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो कौन सा स्टाइल है? वो फैंसी ड्रेस स्टाइल, चेहरा देखकर धोखा मत खाना। ओह, चेहरा देख के धोखा मत खाना। हैं? सही कहा, इंसान को अपना कैरेक्टर भूलना नहीं चाहिए। किरण चलो, केक काटने का टाइम हो गया है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। Thank you. इसे फूक मार कर बुझाओ और चाकू से केक काटो। नहीं रीटा, जलती मोमबत्ती को कोई बुझाता है क्या? इतने सुंदर केक को मैं काटू कैसे? छी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वैसे मैं बुझे हुए दिए को जलाता हूँ, टूटे हुए दिलों को जोड़ता हूँ। तमाशा मत करो किरण, प्लीज कैंडल बुझाओ। ओके, अगर तुम कह रही हो तो कर देता हूँ। ओके, इस दिल को तुम्हें काटना होगा। हेलो हेलो, Where is Mr. Quinton? He should be here in any moment. I see. Wow, कितना बढ़िया गिफ्ट है ये। अब बस भी कीजिए, आप इतने बड़े आदमी हैं, ये तो आपके लिए छोटी सी बात है। वैसे मैंने अभी तक आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया है। क्या कह रहे, उस दिन एक अप्सरा वाली गुड़िया नहीं दी थी आपने, भूल गए क्या? आप खुद एक अप्सरा हैं, मैंने कहा आपको गिफ्ट दिया। कहा मतलब आपके शोरूम में? उस दिन आपने क्या कहा था, भूल गए क्या? फूल की खुशबू हवा चुराती है, नदी का पानी रास्ता चुराता है, और नदी को समंदर चुराता है। आंखें मिलाने से किसी की नींद चोरी हो जाती है, और कोई किसी ना किसी का दिल चुरा ही लेता है। ये तो किसी चोर ने कहा होगा। देखिए, मैं किसी का दिल विल नहीं चुराता हूँ, मैं तो दिल के बदले दिल देता हूँ। अगर कोई मुझे दिल से प्यार करता है तो मैं भी उसे उसी तरह का प्यार करता हूँ। हर दिन आपकी एक नई फिलॉसफी होती है। अरे सच बोल रहा हूँ मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन जब आप मेरे सामने खड़ी होती हैं तो मेरी जबान हलक में अटक जाती है। अच्छा, जबान अटक जाती है, और तुम्हारी आंखें? आंखें, आंखों के रास्ते दिल में उतरना चाहता हूँ। कहीं आप भी तो मेरे जैसा नहीं सोचती हैं? आप भी मेरे ही जैसा सोचती हैं ना? आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। वैसे मैं आपके साथ बिताई ये शाम कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू। सुनिए, उस दिन मैंने गाना गाया था, आज आपको गाना होगा। मैं? नहीं, आप ही गाइए। ठीक है, काम करते हैं, मैं गाना गाता हूँ और आप भी साथ में गाइए, प्लीज। ओके। You got the cash? Where are the diamonds? Diamonds. Your cash. Huh? Mr. Kiran, police ne aapko charon taraf se gher liya hai. Koi chalaki mat karna. Hands up. Yeah!
चलिए सर बैठिए। हैप्पी बर्थडे मिस्टर किरण। हैप्पी बर्थडे। कोई गिफ्ट नहीं लाया क्या? मैं लाया हूँ ना, पर उसे कैसे दूँ यही सोच रहा हूँ। इसमें सोचने वाली क्या बात है? गले में डालने वाला हो तो गले में डाल दो, हाथ में देने वाला हो तो हाथ में दे दो। मिस्टर विनोदी, लगता है मेरी पार्टी में सारे पुलिस वाले ही आए हैं। विनोद, ये सब क्या नाटक लगा रखा है? ये नाटक नहीं है सर। क्या उसका चेहरा वाकई में असली है? मुझे ये टेस्ट करना है। व्हाट? यस सर। मेरी आंखों में पट्टी बांधकर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कौन हो तुम लोग? यहाँ कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। मेरे पैर में गोली लगी है। चलो अपना काम शुरू करो, मेरे पैर से गोली निकालो। गोली निकाल दी है, डरने की बात नहीं, लेकिन एक महीने तक बेड रेस्ट लेना होगा। नो, दिस इज टू मच। अगर मैंने एक महीने रेस्ट ले लिया तो मेरे काम का क्या होगा? अगर आप अभी चलने फिरने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी भर आप चलने फिरने या कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ सर। ओह गॉड। अच्छा डॉक्टर, मुझे गोली लगी है, बताओ मैं क्या करूँ? प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लीजिए आप। ये लीजिए। मैंने यह काम पैसों के लिए नहीं किया सर, मेरी फीस सिर्फ 1,000 रुपए। क्या मैं जा सकता हूँ? डॉक्टर, जब तक कि मैं ठीक नहीं हो जाता आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। इम्पॉसिबल। मेरी प्रैक्टिस, मेरे परिवार के लोग। आप टेंशन मत लीजिए, आपके घर वालों को टाइम पे पैसे पहुँच जाए करेंगे और यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। खान, आप डरिए मत डॉक्टर, ये आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। चलो। किरण, किरण, ये तुम्हें क्या हो गया? उस पुलिस वाले ने तो मेरी नींद हराम कर रखी है। डैम इट। रीटा, आज की पार्टी में मुत्तू ने क्या किया? हाँ, सुपर्ब। भगवान मुझ पे बहुत मेहरबान है, तभी तो मेरे पास मुत्तू को भेज दिया। मुत्तू एक महीने तक सारी जिम्मेदारी उठाएगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है डार्लिंग? मुझे भी ऐसा लगता है। तुम जाके मुत्तू से कह दो किरण जरूरी काम से शहर के बाहर गया है, उसे लौटने में 1 महीना लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मुत्तू किरण बन के रहेगा। पुलिस ने जिसे गोली मारी वो किरण नहीं बल्कि कोई और है। ओके? यस डार्लिंग। बेटा, तुम खूबसूरत ही नहीं समझदार भी हो। अरे बाप रे। मुत्तू, अब कैसा लग रहा है? सर में बैंड बज रहे हैं। मुत्तू, किरण जरूरी काम से शहर से बाहर गया है और वो 1 महीने बाद ही लौटेगा। तब तक तुम्हें ही किरण बनकर रहना होगा। उसके पहले उसकी माँ अगर लौट आई तो मेरा क्या होगा? यहाँ पे सभी लोग तुम्हें ही किरण समझकर तुम पर यकीन कर रहे हैं और माँ के पास कोई वजह नहीं जिससे उन्हें यकीन ना हो कि तुम उनके बेटे किरण नहीं हो। ऐसा है क्या? इसका मतलब इस घर का मालिक मैं हूँ? ऑफ कोर्स। ए, अगर इसके बाद तुमने अपनी जबान पलटी ना तो मैं गाड़ी पकड़ के अपने गांव चला जाऊंगा। नहीं। अरे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इसको कितनी बार समझाया है कि हर जगह का पानी मत पिया करो, लेकिन सुनती कहाँ है? अब देखो, इधर उधर का पानी पीने की वजह से बीमार पड़ गई है, अब क्या होगा? ऊपर भगवान है ना, सबको एक ना एक दिन जाना ही है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। बेचारी भवानी, अब इसका क्या होगा? इसका एक भाई था, वो भी शहर चला गया है। भगवान ना जाने कैसी परीक्षा ले रहा है।
जल्दी जाके भगवान के लिए फूल और दिया लेके आओ, समझे? कल तक तो पलट कर हमें ये जवाब भी नहीं देता था, लगता है इसका दिमाग फिर गया है। इधर आओ। अरे भगवान के बारे में बात करने के लिए किसने कहा? उसे इसकी आदत नहीं। किसको? क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उसका बुरा वक्त आ गया है। जो भी भगवान पे विश्वास रखता है वो हमेशा खुश रहता है, ये बात जानता नहीं है। कैसा है वो? कॉफी ले लो, कॉफी मीठी मीठी कॉफी, चलने वाली कॉफी, कॉफी ले लो, कॉफी बैंगलोर की कॉफी, कॉफी ले लो, कॉफी चिकमंगलूर कॉफी। ऊपर आ जाओ। कौन? मैं? हाँ तुम। ये सब लेकर ऊपर ऑफिस में आ जाओ क्या? हाँ हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या हुआ? तुम उस भिखारी को ऊपर क्यों बुला रहे हो? भिखारी किसे बोल रही हो? वो एक चाय वाला है, कितनी प्यारी बातें करता है, दिल से बहुत अमीर है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास दिल नहीं होता है। यूसीआईसी मुझे नहीं पता है, जब मैं बोलूँ तो अपनी जबान मत चलाया करो। सर क्या बात है भाई, चिकमंगलूर टू बैंगलोर, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हें याद नहीं है क्या, ज्वार की रोटी, टमाटर की चटनी और मुझे वो हिचकी, याद है या नहीं? अरे भाई, ज्वार की रोटी, कमाल हो गया, तुम तो सचमुच बड़े साफ निकले। उस दिन क्या बोल रहे थे? मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बहन की शादी करनी है, शहर में कमाने आया हूँ। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे थे? झूठ नहीं बोल रहा था, उस दिन मैंने जो भी बोला सब सही था। हाँ। लेकिन आज जो तू मुझे देख रहा है ना, हाँ, वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा है तो सच क्या है, खुलकर बताओ ना यार। लॉटरी वोटरी लगी क्या, या फिर कोई पैसे वाली लड़की से शादी कर ली है? ये सब मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा है। हाँ। काफी दिनों के बाद मिल रहे हो। हाँ। कॉफी नहीं पिलाओगे क्या? कॉफी ले लो, कॉफी ले लो, मीठी मीठी कॉफी ले लो, कॉफी पी लो, बैंगलोर की कॉफी लाया, कॉफी ले लो, कॉफी पी लो भैया, पी लो भैया, मीठी मीठी कॉफी ले लो, ले लो मैडम। अरे ये कॉफी पीने से क्यों कतरा रही हो, तुम्हारे पति भी तो पी रहा है। क्या हुआ भाई? ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी सिक्योरिटी, अब मेरा मतलब सेक्रेटरी है। मेरी जिससे शादी होगी वो भूलोक की रंभा, स्वर्ग की अप्सरा जैसी है। तुम्हारी शादी हो गई क्या? बस कुंडली मिलाना बाकी है और वो भी मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं कर भाई, सुनो मुझे शादी में बुलाना मत भूलना, तुम्हारे फर्स्ट नाइट में इसी केतली से रात भर कॉफी बनाकर तुम्हें पिलाता रहूंगा। अरे रे, हाँ। नहीं रे बाबा, है? मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, उस रात में बादाम का दूध पीऊंगा, मेरी अप्सरा मुझे अपने हाथों से पिलाएगी और मैं उसे खिलाऊंगा एप्पल सेम। गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड। सुनो तुम एक काम करो, 500 रुपए का चेक बना दो। चेक बनाती हो या मैं गाड़ी पकड़ू? क्या कॉफी है? कॉफी वाले भैया, उस दिन आपने कहा था ना कि आपको किसी ने चेक नहीं दिया, ये लीजिए, मैं आपको 500 रुपए का चेक दे रहा हूँ। अरे ये 500 रुपए का चेक है? ये चलेगा क्या भाई? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ऐसे क्या, ये दौड़ेगा क्या? तो मैं भी दौड़ लगाता। 500 रुपए का चेक क्या मिल गया, अपनी रोजी रोटी यही भूल के जा रहे हो, गलत है ना? गलत है ना भाई, मैं 500 का चेक देख के अपनी रोजी रोटी अपनी केतली को यहीं छोड़कर जा रहा था भाई। हे भगवान, चलो चलता हूँ भाई। हे चिकमंगलू। हाँ, हाँ भाई। बहुत अच्छे इंसान हो आप, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। शुक्रिया मेरे बड़े भाई, अब मैं चलता हूँ। चाहिए। हो गया तुम्हारा, अब नौटंकी बंद करो। हाँ हो गया, तुम्हें क्या परेशानी है? आज का तुम्हारा प्रोग्राम बताना है। बताओ। 12 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, 1 बजे लंच, 2 बजे है शोरूम इंस्पेक्शन, 3 बजे अरे ये क्या पागलपन है? पागलपन? पागल तुम हो, माला से मिलने का प्रोग्राम कहाँ है? नहीं, तुम उससे बिल्कुल नहीं मिल सकते। तो ठीक है, आज शाम की गाड़ी पकड़ के मैं अपने गाँव। रुको रुको, ना जाओ ना। नहीं, टेक फोन, कॉल माला।
हेलो ये लो हेलो हेलो मैं किरण बोल रहा हूँ मैं माला से बात करनी है एक मिनट किरण ने फोन किया हाँ हेलो ये मधुर आवाज सुन के मेरे कानों में रस घुल गया सही कह रहा हूँ ना मैं क्या कर रही हो तुम हाँ हाँ मैं भी आप ही के बारे में सोच रही थी देखा ना मेरे बारे में ही सोच रही थी हेलो अगर तुम बुरा ना मानो तो हम कहीं घूमने चलें हम खूब खूब बातें करेंगे बस मना मत करना कहीं घूमने चलना है उसको यहाँ पर आने को बोलो मैं चलती लेकिन आप यहाँ आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा आप मान गई यही बहुत है ना आपकी बात ना मेरी बात मैं आपको खास जगह ले चलता हूँ ओके कहाँ है वो जगह जमीन पर है या स्वर्ग में है That's the surprise. Bye-bye. Bye-bye. मिस लीला, अगर तुम ध्यान से काम करोगी तो हम उस किरण कुमार को पुख्ता सबूतों के साथ अरेस्ट कर सकते हैं पर कैसे ये लो इसे अपने पास रख लो जूस में मिलाकर उसे पिला देना इसे पीने के बाद वो अपने दिल की सारी बातें तुमसे कह देगा क्या सच में मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना ये कितनी कमाल की चीज है तुम अभी देखो इंस्पेक्टर प्रधान यस सर मिस मंजुला यस सर इंस्पेक्टर प्रधान और मंजुला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन ये बात उन दोनों ने छुपा कर रखी हुई है यस इंस्पेक्टर विनोद अभी किरण कुमार का फोन आया था वो मिस लीला को पिकनिक पे ले जाना चाहता है वेरी गुड रस्ते का माल सस्ते में मिल रहा है इनको कहीं दूर ले जाकर शादी का प्रस्ताव भी रखा है रुकी, रुकी, रुकी। अगर उसे शादी के बारे में पूछा तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए छोड़िए आप ये पीजिए ये लीजिए Cheers. Cheers. मिस मंजुला आपकी इतनी उम्र हो गई आपने शादी क्यों नहीं की जब तक मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ मैं कभी शादी नहीं करूँगी ऐसी कसम खाई थी अगर ऐसी बात है तो पुलिस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी मिस्टर प्रधान अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की हाँ बताइए वो क्या है ना कि ये हाँ बोलिए ना कोई बात नहीं बोलिए तू ही मेरे दिल की रानी है मंजू तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता डार्लिंग तुम मेरी जान माय डियर प्रधान माय डार्लिंग तुम ही मेरे दिल में छाए हुए हो मेरा भी यही हाल मेरे दिल में सिर्फ तुम ही तुम हो प्रधान मंजू प्रधान मंजू देख लिया ना इस गोली का कमाल कैसा है क्या कमाल कर दिया ना इस गोली ने विनोद ये लो इसे जूस में मिलाकर उसे पिला देना और फिर वो जो कुछ भी बोले उसे रिकॉर्ड कर लेना ओके सर ये क्या है ये ज्वार की रोटी है और इसके साथ में ये आम का अचार है खाने में बहुत अच्छा लगता है अरे बाप रे आप ये सब भी खाते हैं माला इस शहर में आने के बाद विदेशी खाना खा के मेरा पेट खराब हो गया है मुझे सबसे ज्यादा स्वदेशी खाना पसंद है और एक मिनट ये प्याज जो है ना इस खाने के साथ अलग ही मजा देती है पकड़ो इसे पकड़ो पकड़ो अरे प्याज को कोई ऐसे तोड़ता है चाकू नहीं है क्या माला प्याज को ऐसे खाने का मजा ही कुछ और है यहाँ पर लोग दुनिया भर का नाटक करते रहते हैं स्वदेशी खाना स्वाद के साथ साथ हेल्थ भी देता है कैसा है बहुत अच्छा है इसमें तीखा ज्यादा है मुंह जल रहा है मिर्ची ज्यादा हो गई ना इसमें अच्छा ऐसा है क्या ठीक है मैं छाछ लेके आता हूँ नहीं नहीं मैं छाछ नहीं पीती तो फिर मुझे जूस ला दोगे क्या ये लो मैंगो जूस आइस नहीं है आइस चाहिए एक मिनट को आइस अब ठीक है हाँ ओके पियो मालव एक बात बोलू क्या हाँ बोलो वो मेरा मोती है ना
अरे मेरा डॉगी गांव के सारे डॉगीज में से बहुत अच्छा है। मेरे मोती जैसा पूरी दुनिया में कोई डॉगी नहीं होगा, बिल्कुल मेरी तरह। आप एक पर्सनल बात बताऊं क्या? हाँ बता बता। मेरी सेक्रेटरी रीटा है ना, एक नंबर की बेशरम लड़की है, कभी भी आके मेरे ऊपर गिर जाती है। अरे मैं बहुत डर जाता हूँ, इसीलिए जब भी मैं रात को सोता हूँ ना, खिड़की और दरवाजे सब अच्छी तरह से लॉक करके सोता हूँ। क्या पता वो भूतनी रात को भी आ जाए। आप सही करते हो, मुझे भी वो ज्यादा पसंद नहीं। वैसे एक खास बात बोलूँ क्या तुमसे? हाँ बोलो। तुम मेरे बारे में जैसा भी सोच रही हो, मैं माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत सीधा साधा हूँ। हर चीज गलत समय पे होती है। हाँ वही ना। वैसे आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहा था क्या? अरे वो तो मैं भूल ही गया। क्या भूल गए? एक मिनट रुको, बताती हूँ। ये लो पी लो, अभी ना सारी बातें याद आ जाएंगी तुम्हें। अरे ये क्या, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? ये लो पियो 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 पियो। हाँ अरे मुझे बात याद आ गई, तुम जैसा समझ रही हो ना, मैं डायमंड मर्चेंट नहीं हूँ। अरे वो किरण कुमार, मैं मुत्तू हूँ, असली किरण कुमार मुझे नकली बनाकर लाया है। अरे बेचारे की तबीयत खराब है ना, तो मैं भी मान गया, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करनी है, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। सच कह रहे हो? मैं भी कोई डायमंड मर्चेंट माला नहीं हुआ, मैं पुलिस ऑफिसर लीला हूँ। किरण को पकड़ने के लिए मुझे डायमंड मर्चेंट बना के पुलिस कमिश्नर ने तुम्हारे पास भेजा है। ऐसा क्या? अरे हाँ, इसके अलावा एक और बात बताती हूँ। वो क्या है? और मेरे साथ जो है ना, वो नकली चाचा चाची है। और वो दोनों लोग ना हाँ पुलिस ऑफिसर है। माला एक बात बोलूँ क्या? गलत मत समझना। हाँ जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मुझे रात को नींद नहीं आती है। हाँ ये सच नहीं है, तुम्हें जब पता चलेगा मेरे पास हीरा नहीं है तो तुम छोड़ के चले जाओगे, फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। भैया भैया, मेरा भैया मुत्तू कहाँ है आप जानते हैं क्या? वो भी बैंड ही बजाते हैं। उस नाम का तो यहाँ कोई भी नहीं है बहन, इतने बड़े शहर में मुत्तू नाम के आदमी को कहाँ ढूंढोगी तुम? ऐसे तो मिलने वाला नहीं है, चलो चलते हैं। हो गई है क्या? बीच रास्ते पे खड़े होकर भीख मांग रही है, अगर तुझे चोट लग जाती तब। मैं भीख नहीं मांग रही थी, उस गाड़ी में मेरे भैया मुत्तू जा रहे थे, मैं भैया को आवाज देते हुए गाड़ी के पीछे जा रही थी, लेकिन गाड़ी निकल गई। मैं भैया को ढूंढने के लिए गांव से आई हूँ। देखिए ये गांव नहीं है, शहर है, और इस तरह अगर आप बीच रोड पर भटकेंगी तो कोई भी गाड़ी आपको ठोकर मार देगी, इसलिए फुटपाथ पर चलिए। ओके ठीक है। डैम इट, अगर मुत्तू अपनी बहन से मिल गया तो डेंजर, वेरी वेरी डेंजर। रीटा तुम ऐसा होने ही क्यों दे रही हो? तुमने उसे फॉलो नहीं किया क्या? मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो पब्लिक की भीड़ में और ट्रैफिक के बीच में से निकल गई। शट अप खान, अर्जुन जल्दी इधर आओ, जाके उस लड़की को ढूंढो जल्दी। गेट आउट। लीला तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर उसे मालूम चल गया कि तुम पुलिस में हो तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, उसे पता नहीं चला है, क्योंकि उसने सिर्फ आधा ग्लास ही पिया था, अगर उसे पता चल गया होता तो वो मुझे जाने देता, उसे अभी तक कुछ नहीं पता चला है। पर उसने क्या कहा तुमने ये भी रिकॉर्ड नहीं किया। लीला मुझे एक बात बताओ, उसके साथ प्यार का नाटक करते करते कहीं तुम मिस्टर किरण कुमार से सच में प्यार तो नहीं करने लगी हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। हो सकता है ये सच हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरी ड्यूटी जरूरी है, प्यार नहीं। क्या अब आपको मुझ पे विश्वास नहीं रहा? I'm very sorry, पर एक बात तुम भी समझ लो कि अभी किरण कुमार को फंसाने के लिए हमारे पास एक ही प्लान बचा है। वो क्या है सर? हम हीरे का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन करेंगे, और इस एग्जीबिशन की हम शहर में पब्लिसिटी भी करेंगे,
वहां शहर के सारे अमीर लोग आएंगे और ऐसा मौका किरण कुमार अपने हाथ से कभी भी निकलने नहीं देगा। हीरे की चोरी करने के लिए वो वहां पे जरूर आएगा। सर, इस बार वो हमारे झांसे में जरूर फंसेगा। कॉफी, मीठी मीठी कॉफी है। तू बहन, तुम्हारे गले में रोटी अटक गई क्या? एक कप कॉफी पियो, रोटी गले से नीचे उतर जाएगी। ये याद करने की हिचकी है। लगता है मेरे भैया मुझे याद कर रहे हैं। और मेरे पास आपको देने के लिए पैसे भी नहीं है भैया। क्या भैया कहा? जब भैया बोली दिया तो भाई बहन के बीच पैसे की तो कोई बात ही नहीं रह गई। ले लो बहन, भैया के हाथ की कॉफी पी लो। नहीं भैया, आप परेशान मत होइए। ले लो बहन, पी लो बहन, पी लो, पी लो। ए, कॉफी कैसी लगी बहन? बहुत अच्छी है। मेरे हाथ की कॉफी पीने के लिए कटन पार्क में लोग क्यों क्यों में खड़े रहते हैं बहन। कॉफी कैसी है बहन? तुम कहाँ से आई हो बहन? गांव से आई हूँ। माँ की मौत हो गई और एक ही भैया है मेरे, उन्हीं को ढूंढने यहाँ आई हूँ। अरे रे रे, बहुत बुरा हुआ। अच्छा ये कौन है? मोती। अरे क्या बहन, अपने गाँव से इतने बड़े शहर में इस कुत्ते को साथ लेकर अपने भाई को ढूंढ रही हो? सॉरी भाई, तुम्हें कुत्ता बोल दिया। इस शहर में आखिर तुम्हारे भाई रहता कहाँ है? पता नहीं, उनका नाम मुत्तू है। मुत्तू? हाँ मुत्तू। क्या हुआ? मुत्तू नाम का आदमी तो इस शहर में कोई नहीं है। उसे गांव के लोग पैसा कमाने इस शहर में आते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में सब धोखा खा जाते हैं और जब कुछ नहीं कर पाते तो चोर डाकू बन जाते हैं। नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो भी मेरी तरह चाय कॉफी बैठ कर जी रहा होगा। अच्छा मैं चलता हूँ बहन। अच्छा सुनो बहन, जब तुम्हें इस शहर में रहने की जगह नहीं मिलेगी ना तो वापस यहीं पे आ जाना। मैं तुम्हारे रुकने के लिए राघवेंद्र स्वामी अनाथ आश्रम में तुम्हारा इंतजाम करवा दूंगा। अच्छा ठीक है ना बहन, लाओ गिलास दो मुझे। हाँ मोती भाई, मैं बाद में मिलता हूँ। ले कॉफी, ले लो कॉफी, मीठी मीठी कॉफी। ले लीजिए सर। ये क्या है? बैंड बाजा बजाने वाला हाथ में तलवार क्यों लेगा? मजाक कर रहे हो क्या? चल बे शुरू हो जा। ए ए रुक जा, तुझे पता नहीं है मेरे गांव में कैसे लड़ते हैं? ये देख। अरे सर सर सर, ऐसे नहीं सर। अरे रुक जाइए सर, लग जाएगी सर। सर सर, ऐसे नहीं चलाते सर। ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए, ये ये। अरे तलवार वाले भैया, एक ग्लास पानी लाएंगे क्या? क्या? हाँ पानी। अरे जाओ ना यार, लेके आओ, जल्दी जाओ जाओ। हाँ, लाता हूँ। बहन, तुम सदा खुश रहो। भैया, भैया! शहनाई बजाते हो क्या? हाँ मैं शहनाई बजाता हूँ और ये सब लोग तबला बजाते हैं। तो फिर तुम लोग मुत्तू को जानते हो ना? वो भी शहनाई बजाते हैं। मुत्तू? अबे मुत्तू अपना दोस्त। हाँ हाँ जानता हूँ उसको। ऐसा है क्या? वो कहाँ है? मेरे भैया है वो। अरे वही जो सामने वाले घर में रहता है। उस घर में? हाँ वहीं पर। चलो हम तुम्हें तुम्हारे भैया के पास लेके चलते हैं। चलो 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 हमारे साथ चलो। कहाँ है मेरे भैया? मेरे भैया से मिलवाने के बहाने मुझे कहाँ लेकर आए हो? अरे यही है, अभी दिखाता हूँ। छोड़ो छोड़ो मुझे, ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे। आ, 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 आ,
छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ, जल्दी क्या है, छोड़ देंगे, छोड़ दो मुझे, बचाओ, मेरी रानी, बचाओ। अरे तुम तो आज सुबह मेरी जीप के सामने आ गई थी ना, यहाँ पर कैसे आई? ये गुंडे मेरे भाई से मिलवाने के बहाने मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। ओके ठीक है, अब तुम रो मत, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर? मेरा कोई घर नहीं है। अच्छा, इसीलिए सड़क पर घूम रही हो तुम? हाँ, कहीं मेरा भाई मिल जाएगा ये सोचकर मैं सड़क पर घूम रही हूँ। अरे पागल, इस तरह तुम्हारा भाई नहीं मिलने वाला, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ चलना है? मेरे घर और कहाँ? डरो मत, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती हैं। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और मेरे साथ चलो, ठीक है? ओह, आई एम सॉरी। क्या बेटा, तुम घर आओगे इसलिए इंतजार करके मैं थक गई। क्यों लेट हुए? थोड़ा ही तो लेट हुआ हूँ माँ। ये खून कैसा, और ये लड़की कौन है? इसका नाम भवानी है। नमस्ते माँ जी। ये अपने भाई को ढूंढने गांव से शहर आई है माँ। कुछ गुंडे इसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे माँ। हाँ माँ जी, अगर ये वहाँ सही समय पर नहीं आते तो अभी मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहती। अरे बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए तो सरकार ने ऐसे लोगों को काम पे रखा है। जब तक तुम्हारा भाई नहीं मिलता तुम यहीं रहना। चलो चलो जल्दी से कपड़े बदल लो। तैयार है ना? रेडी। आज हम तीनों एक साथ खाना खाने वाले हैं माँ। मैंने तो खाना खा लिया। हमारे साथ एक और खास मेहमान आया है। कौन है? वहाँ देखो। किरण, एक गुड न्यूज है, मैंने मुत्तू की बहन का पता लगा लिया है। वेरी गुड। कहाँ है वो? इंस्पेक्टर विनोद के घर में। इंस्पेक्टर विनोद? क्या माँ? माँ क्या हुआ बेटा? भवानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है माँ। आज भाई बहन का दिन है ना, उसका भाई उसे जल्दी मिले इसलिए प्रार्थना कर रही है। माँ, उसके भाई को ढूंढने की मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये बटन बार बार टूट जाता है, देखो ना। ये तुम्हारा रोज का नाटक है, रोज तुम बटन तोड़ते हो और मैं सी देती हूँ। मैं भी तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि इस घर में बहू लाने के बारे में सोचो, लेकिन तुम मेरी सुनता कहाँ है? मैं तो किसी को भी लेकर आ जाऊंगा माँ, पर तुम उसे अपना पाओगी? अरे एक दिन में अपनाना नहीं होता है, लेकिन उसे एक महीना में देखूंगी, फिर वो लड़की दिखने में कैसी भी हो बस घर का काम आना चाहिए, मैं अपना लूंगी। और तुम किसकी बात कर रही हो? अरे वो मेरे सामने नाटक करते हो। तुम भले ही पुलिस वाले हो लेकिन मैं तुम्हें जन्म देने वाली माँ हूँ। अरे मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। माँ जी आप छोड़िए, लाइए मैं सिल देती हूँ। नहीं बेटी,
तुम कल ही तो आई हो और सारा घर का काम कर रही हो। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं गांव में भी ऐसा ही करती थी, घर का सारा काम खुद संभालती थी। इन बैसाखियों के साथ काम करने में तुम्हें तकलीफ नहीं होती भवानी? मुझे इसकी आदत हो गई है माँ जी। ये पैरों की समस्या जन्म से ही है क्या बेटी? नहीं माँ जी, बचपन में फिसल कर गिर गई थी, तभी से मैं ऐसी हो गई हूँ और फिर बचपन से गिरती ही आई हूँ। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि जब भी मैं गिरती हूँ तब भगवान किसी न किसी को मेरी मदद के लिए हरदम भेज ही देते हैं। मेरा एक दोस्त ऑर्थोपेडिक सर्जन है, शाम को मैं उसे अपने साथ ले आऊंगा। उसके ट्रीटमेंट को अगर तुम फॉलो करोगी तो ठीक हो जाओगी। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। एक मिनट, मेरे भैया को ढूंढ रहे हैं ना? बिल्कुल ढूंढ रहा हूँ, पूरे बेंगलोर शहर में ढूंढ रहा हूँ उसे। भवानी, भैया भैया भैया, आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप कहाँ चले गए थे? एक बार मैंने आपको कार से जाते देखा, मैंने आपको बार बार पुकारा पर आपने सुना नहीं और आप वहाँ से चले गए। कितना बदनसीब हूँ मैं, मुझे माफ कर दो भवानी। अगर मैंने तुम्हारी आवाज सुनी होती ना तो कार क्या, मैं एरोप्लेन से भी कूद जाता। छोड़िए ना भैया, वैसे मैं तो आपको ढूंढ नहीं पाई पर आपने कैसे ढूंढ लिया? वो क्या है ना कि बेटी भवानी, माँ जी ये मेरे भैया हैं। ओ नमस्ते माँ जी। आप ही इसके भैया हो मुत्तू? हाँ माँ जी। भैया मैं इनके ही घर में रह रही हूँ, इनके बेटे ने मुझे गुंडों से भी बचाया। आपका बहुत बड़ा एहसान है, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब रहने दो, आओ बैठो। नहीं माँ, दरअसल मैं जल्दी में हूँ, किसी और दिन फ्री होके आता हूँ। भवानी हम चले। कहाँ भैया? अरे हमारे घर। मोती देखो हमसे मिलने कौन आया है। मोती भैया को देखकर भौंक क्यों रहे हो, तुम्हें भी शहर की हवा लग गई है क्या? मोती मुझे सब समझ में आ गया है, ये सूट इसे पसंद नहीं आ रहा है, तुम रेडी हो ना भवानी? क्या हुआ मोती, भैया के साथ नहीं जाना है क्या? बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ ना इसलिए भौंक रहा है। इसको यहीं पे बांधो, हम बाद में इसे ले जाएंगे। ये क्या कह रहे हो, मोती को बांधेंगे तो वो डर जाएगा, गांव में तो आपने ऐसा ही कहा था। गांव की बात अलग है भवानी, ये शहर है, यहाँ होशियार रहना पड़ता है। ठीक है भैया। मोती, ए मोती। चलो जाने दो उसे, हम लोग को निकलना पड़ेगा, मुझे बहुत काम है। हा? मैं चलती हूँ माँ जी, आपने जो एहसान किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आराम से जाना है बेटी, भवानी को कभी कभी यहाँ लेके आना। ठीक है मैं यहाँ आया करूँगी माँ जी। उनसे कहिएगा मेरे भैया मिल गए हैं, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसे? मेरी बेटी को। भवानी मुझे लगता है कहीं वो तुम्हें ना ढूंढने निकल पड़े। चलता हूँ माँ जी। चलती हूँ माँ जी। भैया भगवान मेरी विनती सुन लेंगे और मुझे आपसे इतनी जल्दी मिलवा देंगे, मैंने सोचा ही नहीं था। वो सब ठीक है लेकिन आप इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? दो बार लगी थी। क्या दो बार? हाँ, पहली उस दिन और दूसरी आज। अरे आपने सिगरेट पीना कब से शुरू किया? क्यों तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं। लो फेंक दिया मैंने। भैया आप यहाँ रहते हैं क्या? हाँ वहाँ जो ऊपर फ्लैट दिख रहा है ना। हाँ? उसी में रहता हूँ। बाप रे। हाँ आओ देखो ये हमारा नया घर, अच्छा है ना? इस
इस पूरे शहर में ये सबसे बड़ा घर है ऐसा लग रहा है। इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में भी घर बनाना मुमकिन है। पागल हो क्या? शहर में जो जितना बड़ा होता है वो उतनी ऊंचाई पर रहता है। बस हो गया, इतने ऊंचाई पर घर है, इससे ऊपर और नहीं। ऐसा क्या? अब भवानी, ये कमला है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। मेरी देखभाल करने के लिए? हाँ, मैं काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी हर बात मानेगी। भैया, जब आप मुझे मिल गए तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है? हाँ, अरे बिजली चमकी क्या? बिजली नहीं, ये फ्लैश है, हम दोनों की फोटो खींची गई है। फोटो? तो एक फोटो मोती के साथ भी खिंचवाएंगे क्या? मोती? हाँ, खिंचवाएंगे ना। हाँ। मैं जाके मोती को लेके आऊँ क्या? ठीक है भैया, बाय बाय। जाके मोती को ढूंढो, वो जहाँ भी मिले मार देना उसे, समझ गए ना? ठीक है। देर हो गई, पता नहीं किरण कहाँ रह गया, जाने कहाँ होगा। हे हनुमान जी, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, किरण को उसकी बीमारी से ठीक कर दीजिए। उसने जो कुछ भी मुझे दिया उससे मैं बहुत खुश हूँ। उसकी माँ की मन्नत को पूरा कर दीजिए, मेरी प्यारी बहन भवानी की शादी एक संस्कारी लड़के के साथ हो जाए बस, और मेरे मोती को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। आप पे जो विश्वास रखता है उसकी सारी मनोकामना आप पूर्ण करते हैं। खान सर, इस पुलिस कमिश्नर ने
इस बिल्डिंग को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। बिल्डिंग के चप्पे चप्पे पे पुलिस वाले हैं। एक मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता है, ऐसा इंतजाम किया है। अगर ऐसा है तो हम अंदर कैसे जाएंगे सर? वहाँ जो भी मेहमान आएंगे उन्हें कोल्ड ड्रिंक दी जाएगी और उसे सर्विस करने वाले हम होंगे, मतलब वेटर। हम अपना होलिया बदल के अंदर इंटर करेंगे। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में हम चोरी कैसे करेंगे? काफी बुद्धिमान हो तुम, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। रीटा, ये कोल्ड ड्रिंक पियो, कान को जवाब मिल जाएगा। क्या बात है सर, रीटा को क्या हो गया है? ये कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वहां के मेहमान और पुलिस वालों के साथ कुछ इसी तरह से होगा। इस कोल्ड ड्रिंक में मैंने ऐसा केमिकल मिक्स किया है जिसे पीने के बाद थोड़ी देर के लिए सब रीटा की तरह फ्रीज हो जाएंगे। गॉड्स! रुक जाओ किरण, तू हीरे चुराया करता है, तू इतना घटिया इंसान होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम दूसरे शहर गए हो, ऐसा मुझसे झूठ बोला गया था, और यहाँ पे तुम हीरे चुराने का प्लान बना रहे हो, क्या ये? अच्छा है कि तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा से नहीं लौटी, अगर वो ये देखती तो वो बिना मौत के मर जाती। तुम जैसे नीच इंसान को कैंसर ही होना चाहिए। मुत्तू, तू एक नंबर का पागल है, तू मेरे बारे में सब कुछ जान ही गया है, तो छिपा के फायदा क्या है? मेरी जगह पे तुझे खड़ा करके मैंने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी है, और यही मेरा प्लान था, लेकिन अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, पुलिस को जाके तेरी सारी सच्चाई बता दूंगा। मुत्तू, इस शहर में तुझे आसरा देने वाला मैं ही हूँ, भूलना मत। फुटपाथ पे तू धक्के खा रहा था, मैंने तुझे बंगला दिया। सड़क के किनारे सोने वाला इंसान सोने के महल में सो रहा है, राजाओं की तरह जिंदगी जी रहा है। एक मामूली इंसान को मैंने जमीन से आसमान पे बिठा दिया। इंसान, इंसान की इंसानियत तुझमें है ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं अपने गांव में था, शहर में तो अब जानवर रहते हैं जो मासूमों का शिकार करते हैं। ए बेवकूफ, मैंने बहुत तेरी सुन ली, अब मैं जो कहूंगा वो तू सुनेगा? हरगिज नहीं सुनूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुझे पुलिस से पकड़वा के रहूंगा। अगर ऐसा है तो भवानी का क्या होगा? भवानी बेचारी, वो तो ये कहानी जानती ही नहीं है। तेरी बहन भवानी मेरे कब्जे में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। मेरी बहन भवानी गांव में है। गांव में है? गांव में तेरी बहन ही नहीं, माँ भी नहीं है। बेचारी भवानी तुझे ढूंढते हुए शहर आई है, और खुशकिस्मती से वो मुझे मिल गई, और तेरी बहन भवानी मुझे मुत्तू समझ रही है। ऐसा नहीं हो सकता किरण, तू मुझसे झूठ बोल रहा है, मैं नहीं मानता। मेरी भवानी कभी धोखा नहीं खा सकती। लोग तुझे किरण समझ के धोखा खा सकते हैं, तेरी बहन भवानी मुझे मुत्तू समझ के धोखा नहीं खा सकती। ये देख, अच्छी तरह से देखना मुत्तू, अगर तू अपनी बहन की सलामती चाहता है तो जैसा मैं कहूं वैसा करना, नहीं तो जिस बहन की डोली उठाने के लिए तू पैसे कमाने आया है उसकी अर्थी तुझे उठानी पड़ जाएगी। नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं करूंगा, मैं तैयार हूं करने को। किरण, मुझे क्या हो गया था? मुत्तू, तुम यहाँ? हाँ, अब मुत्तू भी हमारी पार्टी में है। अब हीरे की चोरी के लिए मुत्तू किरण बनके तुम्हारे साथ जाएगा, प्लान के मुताबिक सारा काम होगा, और कल काम होने के बाद तुम्हारी बहन यहाँ होगी, और उसके बाद तुम दोनों गाँव जा सकते हो। हुँ?
किरण कुमार चाहे जितना जेवर चुरा कर ले जाना चाहे, पर ये उसके पास होना ही चाहिए ताकि हम उसे फॉलो कर सकें और अरेस्ट कर सकें। ये डायमंड तो ये डायमंड बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओह अच्छा अच्छा, ये वाली देखो। ओह अच्छा। वेलकम मिस्टर किरण, वेलकम। यहाँ भीड़ काफी कम है, ये जगह बहुत सेफ है। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, आप लोगों ने मुझे आने पे मजबूर किया। बाय द वे मिस्टर किरण, आप डायमंड के डॉक्टर हो ऐसा मैंने सुना है। यहाँ एक से बढ़कर एक कीमती हीरे हैं। हीरे और पत्थर में ज्यादा अंतर नहीं होता है, और अगर कुछ दिखता है तो वो इंसान के अंदर दिखता है। अरे वो सब छोड़िए, हीरे में जो भी अंतर है उसे हम पहचान ही लेंगे। हेलो। हेलो। हाँ एक्सक्यूज मी, आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ। हम चले क्या? लेट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, लेट नहीं हुआ है, इंस्पेक्शन अभी शुरू हुआ है। मिस्टर किरण, आप पहले क्या देखना चाहोगे? हीरे ही हीरे हैं यहाँ, आपकी नजर कहीं और है क्या? आप कहीं और नजर डालने कहाँ देती हैं? सर इसे देखो, ये कैसा है। किरण, इसकी कीमत क्या होगी बता सकते हो? इसकी लगभग 30,000 होगी। क्या? ठीक से लेंस से देख के बताओ ना। इसके लिए लेंस की क्या जरूरत, इसकी कीमत मैं आंख से देख के बता सकता हूँ। और क्या हुआ, मेरी बात पे भरोसा नहीं है? चारों तरफ नजर रखो और होशियार रहना। ओके ओके सर। ओवर। विनोद। गुड मॉर्निंग सर। सारे गेस्ट आ गए ना? यस सर, डायमंड्स का इंस्पेक्शन चल रहा है सर। ओके okay. सर्व करो। सर जी, ऊपर सब धूप में खड़े हैं, इन्हें ये पिला के थोड़ा ठंडा कर दूं क्या? आपकी काफी उम्र हो गई दादाजी, आप कहीं छांव में बैठकर आराम कीजिए। लगता है तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, एक काम करो तुम भी इसे पी लो। पियो पियो पियो, कोई बात नहीं। एंजॉय करो, एंजॉय करो। साहब, थकान मिटाने के लिए इंस्पेक्टर साहब ने ये भिजवाया है, लीजिए पीजिए। थैंक यू। पीजिए। थैंक यू मैम। सब ड्रिंक। क्या यार, तुम भी बार बार डिस्टर्ब करते हो, चलो जाओ यहाँ से। आप भी लीजिए। थैंक यू। ये लो बेटा, इसे पी लो। मुझे आदत नहीं है। आदत की बात नहीं है, शहर में बहुत गर्मी है और हीरा भी बहुत गर्म है, इसे पियोगे तो दिमाग ठंडा रहेगा। मुझे ठंडा और गर्म दोनों एक जैसा लगता है, मुझे नहीं चाहिए। जाओ। कोई बात नहीं सर, पी लीजिए। क्यों बेकार में अंकल को परेशान कर रहे हो, लो पियो। अरे पियो ना। पी लो। इंस्पेक्टर सर, ये सब क्या हो रहा है? हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है वहाँ? कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैं कुछ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप लोग अपनी जगह पे ठीक से खड़े रहिए, ठीक है ना? खड़े रहिए। यस सर। अरे ओ पागल, इधर क्या देख रहे हो, अपना काम करो ना। सॉरी आंटी। Thank you.
हीरे कहाँ गए? अरे हीरे कहाँ चले गए? कहाँ गायब हो गए? मिस्टर विनोद, यू डोंट वरी सर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले वो किरण कुमार गहने और हीरे चुरा कर ले गया हो, लेकिन उन गहनों के बीच में मैंने एक ट्रांसमीटर लगा दिया था, इसलिए वो बचकर दूर नहीं भाग सकता। एक वैन मलेश्वरम की तरफ जा रही है, उसे फॉलो करो। ओके सर, गो फास्ट। अरे हीरे कहाँ चले गए? मेरे कीमती हीरे कहाँ चले गए? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुत्तू ने मुझे बेहोश किया और मेरा ड्रेस पहन के भाग गया। मेरे साथ खिलवाड़ मत करो मुत्तू, अगर तुमने ऐसा किया ना तो किरण से कहकर तुम्हारी बैंड बजवा दूंगी। शट अप, मैं हूँ किरण। किरण, किरण। हाँ हाँ हाँ, आप ही किरण है, कोई शक? आपको गलतफहमी है क्या? लेकिन एक खुशी की बात है, आप चोर नहीं है, चोर कोई और है। सुनो, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, सबकी पहले तलाशी ली जाएगी, उसके बाद आप जा सकते हैं। कम ऑन। चलो चलो। कॉलिंग कंट्रोल रूम, सब लोग अपना ड्रेस चेंज करके भाग गए। क्या मैं जा सकता हूँ? ओह श्योर, मैंने आपको काफी तकलीफ दी। इट्स ओके, कम ऑन। किरण, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज, बहुत अर्जेंट है। किरण, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। किस लिए? आप चोर नहीं है, ये आप सबके सामने साबित हो गया है। मैं रोज भगवान से यही दुआ करती थी। किरण, मेरी जिंदगी का फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं कर सकता। रीटा, ये सब कैसे हुआ किरण? नॉनसेंस, सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। इसका मतलब वो किरण बनकर भाग गया? शट अप। भैया, ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये सब तुम्हारी आजादी के लिए है। आजादी? ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। खान, यस सर, इस बक्से में जो भी है उसे लॉकर में रख दो, मुत्तू के आ जाने के बाद। भैया, ये सब क्या है? मुत्तू के आने के बाद उसकी कहानी। ओके सर। भैया, चुपचाप चलो, आओ। भैया, ये आपको क्या हो गया है? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? भवानी, तुम चलो तो सही। भैया, चलो। भैया, आराम से, चलो। भैया, ये क्या हो रहा है, कहाँ ले जा रहे हो? भैया कहाँ? ट्रांसमीटर, चलो। हाँ हाँ हाँ। भैया, भैया मुझे कहाँ लेकर आ गए हो, और ये लोग कौन हैं? आँखों में पट्टी बांधकर मुझे क्यों लाए हो यहाँ? क्या हुआ भैया, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? देखो भवानी, ये बताने के लिए टाइम नहीं है, चलो तुम अभी। हाँ सर, इस नेकलेस के अंदर ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर? हाँ सर, पुलिस इस ट्रांसमीटर के जरिए यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है ठीक है, पुलिस के आने से पहले तुम लोग यहाँ से निकलो, जल्दी करो, जाओ। ठीक है सर। भैया, पुलिस आपको क्यों ढूंढ रही है, बताओ? मुझे नहीं भवानी, इनके लीडर को, वो बहुत बड़ा चोर है, ये उसी के गैंग के हैं। चुप करो, आप अभी भी मुझे बच्चे समझ रहे हो क्या? मुझे आज समझ में आ रहा है कि आप लोग पुलिस से डरकर क्यों भाग रहे हैं। इतना अमीर बनना, बंगला, गाड़ी, ये सब आपने गलत तरीके से कमाए हैं। आप मेरी शादी धूमधाम से करवाना चाहते हैं ना, लेकिन इस पाप की कमाई से मेरी शादी तो नहीं हो सकती, मेरे मरने पर भी। भवानी, मारो ना भैया, अब तक तो मुझे छोटी माँ मारती थी, उसका मुझे बुरा नहीं लगा, पर आज लगा, जब सगे भाई ने धोखा दिया तो जिकर क्या करूं? भवानी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नमक हराम, मेरी बहन पे हाथ उठाता है? भवानी, ये मुत्तू नहीं है, मेरा हम शक्ल किरण कुमार। किरण, तुम मेरी बहन को मुझसे ऐसे अलग नहीं कर सकते हो। मेरी बहन अच्छी तरह से जानती है कि क्या झूठ है और क्या सच है। नहीं नहीं भवानी, ये झूठ बोल रहा है, यही है किरण, पुलिस से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। ये इंसान नहीं, राक्षस है, इस पापी ने मुझे अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं छोड़ा, भगवान के रूप में मुथुन्ना ने आकर मुझे बचा लिया। तेरी तो, तुझे तो मैं, अगर इन पर हाथ उठाए तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, अपना भाई समझकर मैंने बर्दाश्त कर लिया,
अगर दोबारा हाथ उठाया तो तुम्हारा हाथ काट दूंगी। काट दो इस हाथ को, जिस हाथ पे तुमने राखी बांधी थी, काट दो उसे भवानी। नीच, चोर, धोखेबाज, भाई बहन के पवित्र रिश्ते के बारे में बात कर रहे हो? चुप हो जाओ तुम। भवानी, भवानी मेरी बात मानो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारी शक्ल मेरे भाई से मिल रही है, लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुम एक झूठे इंसान हो। चलो भवानी, चलो यहाँ से। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आ जाएगी और मेरे इस हमशक्ल को पकड़ ले जाएगी। भवानी रुक जाओ, जाने से पहले सोच लो, ये आदमी खूनी है, बहुत बड़ा चोर है, डकैत है। भवानी, किसी के कहने से कोई आदमी थोड़ी ना बदल जाता है। तुम चलो। किरण, मेरी बहन को छोड़ दो, नहीं तो मैं। भवानी चलो तुम यहाँ से, भैया चलो मेरे साथ। भैया धोखा देना चाहता है, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। मारो और मारो, इसके साथ यही होना चाहिए। Yeah!
इंस्पेक्टर ये है किरण, मैं हूँ मुथु। नहीं इंस्पेक्टर ये झूठ बोल रहा है, ये किरण है, मैं हूँ मुथु। नहीं ये है किरण, नहीं ये है किरण, नहीं इंस्पेक्टर ये है किरण, नहीं ये है किरण। अरेस्ट देम। योर ऑनर, आज इस अदालत में एक अजीब सा केस आया है। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, इन दोनों में से ये जानना जरूरी है कि इनमें से किरण कुमार कौन है। ये किरण कुमार हीरो की चोरी डकैती करने वाला पापी है। इन दोनों में से किरण कुमार कौन है ये जाने बिना हम इस केस को आगे नहीं ले जा सकते। योर ऑनर आप शक मत करिए, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ मैं मुत्तू हूँ, ये किरण कुमार है। आप लोग को यकीन दिलाने के लिए मैं अपनी माँ की कसम खा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं मुत्तू हूँ, ये है किरण कुमार। अरे बाप रे, मेरा विश्वास करिए, मैं सच कह रहा हूँ, ये है किरण कुमार। मैं मुत्तू हूँ, ये किरण कुमार है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं मैं मुत्तू हूँ, नहीं नहीं मैं किरण कुमार नहीं हूँ, ये मुत्तू है, ये किरण कुमार है, मैं मुत्तू हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सुनो भवानी, इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकती हो। इन दोनों में से तुम्हारा भाई मुत्तू कौन है ये बताओगी क्या? हाँ एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? मेरे भैया शहनाई बजाते हैं, अक्सर मुझे खुश करने के लिए शहनाई की एक धुन बजाते हैं। वो शहनाई इतनी अच्छी बजाते हैं, इनमें से वो धुन जो भी बजाएगा वही मेरे भैया होंगे। ऐसा है क्या? हाँ ठीक है। योर ऑनर इंतजाम करो। यही मेरे भैया है, सच में यही मेरे भैया है। भैया भवानी। योर ऑनर इनमें से मुत्तू कौन है अब ये पता चल गया ना? कानून सबके लिए बराबर होता है, इसको एक मौका मिला तो दूसरे को भी मिलना चाहिए, उसके बाद ही फैसला होगा। क्या हुआ ब्रदर, पता नहीं है कैसे बजाया जाता है, बजा के दिखाओ। हाँ सुनो भवानी, इस धुन को कोई और नहीं बजा सकता ऐसा तुमने कहा था ना, अब तुम क्या बोलना चाहती हो? अब मैं क्या बोलूं? अब तो मेरा सर घूमने लगा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। भवानी इन दोनों में से तुम्हारा भाई कौन है ये जानने के लिए कोई और रास्ता है क्या? है, एक रास्ता और है। मोती मेरा कुत्ता, मेरे भाई की वो जान है, हजारों की भीड़ में भी मेरे भाई को वो पहचान लेगा, लेकिन अभी वो कहाँ है मैं नहीं जानती। अरे मोती आ जाओ, कहाँ चले गए थे? मोती कहाँ चले गए थे तुम? हाँ मुझे छोड़कर। मोती कहाँ चले गए थे तुम? वो यही मोती है क्या जिसके बारे में तुमने कहा था? जी हाँ सर। योर ऑनर इन दोनों में से असली मुत्तू कौन है ये जानने के लिए मैं एक जानवर को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। यस ग्रांटेड। मोती योर ऑनर इनमें से असली मुत्तू कौन है इसकी पहचान इस बेजुबान जानवर ने कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस कोर्ट में सच क्या है झूठ क्या है ये जानने के लिए मुझे यहाँ खड़ा किया गया है, और इसकी पहचान एक जानवर करेगा? उसने मुझे देख के भौंका तो मतलब मैं चोर हूँ। आप बताइए योर ऑनर, जब रोड पे शरीफ आदमी चलते हैं तब भी ये भौंकते हैं तो इसका मतलब कि वो सभी चोर या गुनाहगार हैं?
सिर्फ जानवर के भौंकने से अगर गुनहगार की पहचान होने लग गई तो ऐसा न्याय किस काम का है? अरे अरे इसे क्या हुआ? भवानी तुम ठीक हो? एक बेजुबान जानवर के जरिए किसी गुनहगार को पहचानना इस अदालत के नियम में आता है। हो सकता है, लेकिन किसी बेजुबान की गवाही से किसी को सजा मिल जाए ऐसा कानून तो मैंने नहीं देखा है। और हाँ, मेरे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत लाइए, तब मैं मानूंगा कि मैं ही किरण कुमार हूँ, किसी बेजुबान के कहने पे नहीं, नहीं मानूंगा मैं। Is it? Yes, sir. Your Honor, मैं अदालत को एक खास बात बताने की अनुमति चाहता हूँ। अपने आप को बचाने के लिए ये लोग जो नौटंकी कर रहे थे उसकी वजह से एक मासूम की बलि चढ़ गई। आप ये क्या बोल रहे? जिंदगी भर परेशानियों का सामना करने वाली मासूम भवानी अपने भाई मुत्तू को पहचान नहीं पाई, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। भवानी 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 भवानी। योर ऑनर, अब भवानी के पार्थिव शरीर को इस अदालत में लाने की मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। यस ग्रांटेड। दुनिया ने हमारे साथ नाइंसाफी की थी, इसीलिए तो मैंने ये सब किया, और अब तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। नहीं मामा, मत जाओ। योर ऑनर, अपनी मां की खुशी के लिए मैंने झूठ बोला और इतनी बड़ी बड़ी चोरियां की। मैं चाहता था कि मेरी मां खुश रहे, उसे मैंने सारी खुशियां दी, इसीलिए मैंने यह किया। मैं ही हूं किरण कुमार। पुलिस जिस किरण कुमार को ढूंढ रही है वो मैं हूं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, और मैं ऐसा क्यों बना इसके पीछे भी वजह है। बस आप उस वजह को सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना फैसला करिए। 20 साल पहले ये सब हमारी खानदानी हीरे हैं, पहले ही बताया था ना तुम्हें, ये बहुत ही कीमती हीरे हैं। एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, इसीलिए ये सब गिरवी रखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा। बिजनेस शुरू करने के लिए सब तो मामूली बात है, चीजें खरीदना और बेचना ये सब तो होना ही चाहिए। लीजिए। ये लीजिए, इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं, आप चाहे तो गिन सकते हैं। गिनने की कोई जरूरत नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? आप लोग बड़े व्यापारी हैं, पैसे पूरे ही होंगे। अगर आपको यकीन है तो हमें बड़ी खुशी हुई। सुनिए, एक गिलास पानी मिलेगा? लाती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? किरण। किरण, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। वैसे आपके बेटे के चेहरे पे राजा की चमक है। इसके नाम पे मैं एक फैक्ट्री शुरू करने वाला हूँ, किरण शुगर फैक्ट्री। बहुत बढ़िया नाम है। ये लीजिए। हाँ, अच्छा तो हम लोग चलते हैं। चलते हैं। नमस्ते। लक्ष्मी, डील बहुत अच्छी हुई है ना? ये लो, ये अंदर रख दो। अरे सुनिए, जल्दी यहाँ आइए, जल्दी आइए। देखिए, हमें धोखा दिया है उन लोगों ने। क्या हुआ? ये देखिए, नोट के बदले इसमें सिर्फ कागज भरे थे। ये क्या है डैडी, इसमें तो सफेद पेपर है। इन लोगों ने हमें धोखा दे दिया, पैसे के बदले पेपर। क्या हुआ डैडी? मेरे साथ यही हुआ। मैंने आज तक जितने भी हीरे की चोरियां की वो सब मैंने समाज को सबक सिखाने के लिए किया। आज मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं जी के क्या करूंगा? योर ऑनर, आप मुझे फांसी दे दीजिए।
किरण। माँ, माँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना माँ? योर हॉनर, मेरी माँ ठीक है, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ माँ। मेरा बेटा अच्छा इंसान है, लेकिन किरण, जब मैंने ये जाना कि तुम एक गुनहगार हो, सच कहूँ ऐसा लगा जैसे मैं जीते जी मर गई। तुमने बहुत गलत किया बेटा, मैं जानती हूँ हमारे साथ गलत हुआ, पर बेटा इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरों के साथ गलत करें। खुद को कानून के हवाले कर दो और तुम सजा काट कर समाज में एक अच्छे इंसान की मिसाल बनो। माँ, तुम मेरी माँ हो, मुझे इस बात का गर्व है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ माँ, बहुत खुश नसीब हूँ। आपने खुद को मार कर जो ये नाटक किया है और अदालत के सामने सच को साबित करने के लिए आपका ये प्रयास, इसके लिए आपको तकलीफ हुई होगी। ये अदालत मुत्तू को बेगुनाह करार देती है और किरण कुमार को कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। अदालत के आदेश का पालन हो। रो मत माँ। किरण, एक मिनट। ओके। क्या बात है मुत्तू? वैसे तुमने मेरी तरह से शहनाई बजानी कब सीखी? जब मैं तुम्हें किरण बनाना चाह रहा था, तभी मैंने इसे भी बजाना सीखा था। कानून से बचने के लिए मैंने तुम्हारी सारी आदतें सीखी, लेकिन अच्छाई नहीं सीख पाया। सच कहूं तो तुम बहुत नेक इंसान हो। तुम्हारे जैसा बेटा हर माँ को मिले, मेरे जैसा नहीं। अरे अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं, नहीं तो एक अनपढ़ इंसान को भला दुनिया में कौन चाहता है? किरण, अगर तुम बुरा ना मानो तो जाने से पहले मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं। मुत्तू, किरण। भैया। भवानी। भैया, मुत्तू, भवानी हमारे घर की बहू बने तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना? इसमें एतराज की क्या बात है, मुझे तो बहुत खुशी होगी। मुत्तू, अब तुम्हें लीला के बारे में भी सोचना चाहिए।